दोस्तों काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा है, बेली फैट कम नहीं हो रहा है, टांगों में कूलों में चर्बी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई है। सर हमने यूट्यूब पे इंटरनेट पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि आप पानी के बीच में ये डाल लीजिए, ये मिला लीजिए, ये सेवन कर लीजिए तो एक रात में 5 किलो 10 किलो वजन कम हो जाएगा। दोस्तों आप ही बेहतर जानते हैं कि वो जो आपको YouTube पे इंटरनेट पे नुस्खे बताए जाते हैं वो कितना असर करते हैं, कितने आपके बेली फैट को कम करते हैं, कितनी आपकी चर्बी को घटाते हैं। दोस्तों 99% यानी कि 99% जो नुस्खे होते हैं वो फेक रहते हैं YouTube पे इंटरनेट पे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ नुस्खा नहीं बताने वाले, जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं सामने चम्मच में जो चीज़ें देख रहे हैं, कटोरी में जो पाउडर देख रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज यानी कि योग हो गया, प्राणायाम हो गया, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को, देखिए एक बात समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो आपकी चर्बी यानी कि आपका बेली फैट कम नहीं होने वाला। उसको किसी भी तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को आपको तेज करना पड़ेगा। जिसको मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करें मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म की ही वजह से आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं अगर वो थोड़ा सा तेज रहेगा तो। दोस्तों बहुत ही आवश्यक है कि आपको योग प्राणायाम भी करना है इसके साथ में, और पूरे दिन का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, रात को कितने बजे आपको खाना खाना है, सुबह उठ के आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, रात को सोने से पहले आपको लाइट भोजन करना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा लेनी चाहिए या फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने चाहिए कि फैट की क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए, सब बताऊंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको ये नुस्खा किस तरह से तैयार करना है, उसके बाद में आपको मैं बाकी चीजें बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रोजाना जब भी मैं डेली एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत वीडियो को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं, नुस्खे को बनाना सीखते हैं। दोस्तों नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच यानी कि स्पून में आपको अलसी ले लेनी है। अलसी को अंग्रेजी में इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैंने दूसरे नंबर पे क्या लिया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच सौंफ। तीसरे नंबर पे मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच अजवाइन लिया है। चौथे नंबर पे मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच जीरा लिया है। फिर से मैं आपको चारों चीज़ों के नाम बता देता हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच यानी कि आधा ग्राम की मात्रा में मैंने अलसी फ्लैक्स सीड लिया है, आधा ग्राम की मात्रा में मैंने सौंफ लिया है, हाफ ग्राम की मात्रा में मैंने अजवाइन लिया है और हाफ ग्राम की मात्रा में मैंने जीरा लिया है। इन चारों को आपको सबसे पहले मिक्स करके तवे पे भून लेना है। दोस्तों मैं फ्राई करने के लिए नहीं बोल रहा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बिना तेल के बिना ऑयल के आपको सिर्फ गर्म करना है, इसको तवे पे भूनना है। भूनने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने हवाम दस्ते में अच्छे से पीस लिया है, इनको कूटना है आपको, अच्छे से पीसना है, पाउडर बना लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से दिखाई देगा पाउडर। दोस्तों जैसे ही आप सुबह उठते हैं इतनी मात्रा में, ध्यान से देखिए वीडियो में, ये छोटा चम्मच होता है ना सब्जी खाने वाला, दाल खाने वाला, इसकी इतनी मात्रा में आपको डेली सुबह उठ के हल्के गुनगुने पानी के बीच में यानी कि ल्यूक वार्म वाटर में, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हल्का सा गर्म, उसके बीच में आपको इतना चम्मच डाल देना है। और उसके बाद में ऊपर से आधा नींबू का रस यानी कि लेमन का रस डालना है आपको, और साथ में आधा चम्मच या फिर एक चम्मच आपके हिसाब से, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आधे से एक चम्मच आपको हनी डालना है, शहद डाल लेना है बीच में। जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले आपको इस ड्रिंक का डेली सुबह उठ के रोजाना सेवन करना है। चलिए अब बात करते हैं कि मेन, जो सबसे मेन टॉपिक है, बाकी चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भूल जाइए नुस्खा असर करने वाला, ये असर करेगा ही नहीं। आप फिर मुझे बोलेंगे सर आपने जो नुस्खा बताया वो फेक था, वो काम नहीं कर रहा। ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, मैं खुद बोल रहा हूं, अगर आप बाकी चीजें नहीं करने वाले। चलिए बात करते हैं बाकी आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करने हैं, और डेली डाइट में आपको कौन कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों बहुत ही आवश्यक होता है, एक जड़ी बूटी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। दोस्तों आपको खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे के बाद में पानी पीना है, ये बात को अच्छे से दिमाग में घुसा लें, याद रखें कि 1 से 1.5 घंटे के बाद में पानी पीना है। दोस्तों आप भूल जाएं कि आपका बैली फैट मोटापा घटने वाला अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए वीडियो को कृपया थोड़ी सी छोटी सी और वीडियो रहने वाली है, अभी आधी से ज्यादा वीडियो हो चुकी है, बीच में वीडियो को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आगे आने वाली जो बातें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों किस तरह से आपको पानी पीना, आपने मुसलमान लोगों को देखा होगा, मुस्लिम्स को देखा होगा, घुटनों के बल बैठ के जैसे हम शौचालय करने जाते हैं, सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं, वैसे आपको बैठ के धीरे धीरे करके सीप सीप करके घुट घुट करके आपको पानी पीना है, घटघट करके जल्दी जल्दी। कई लोग क्या करते हैं एक ही बार में घटघट करके धड़ाधड़ पानी पीते हैं नॉन स्टॉप,
मतलब बावले होके रखें, पागल हो गए हैं ऐसे पानी पीते हैं। दोस्तों गलती से भी ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपके पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उनको दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए आपको सीप सीप करके पानी पीना चाहिए, तभी आपको नुस्खे, तभी आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, बैलेंस होगा शरीर में। दूसरी टिप के बारे में बात करें दोस्तों, मेरी वीडियो जैसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि कपाल भाति प्राणायाम कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। आपको दो चीजें सर्च करनी है, हाउ टू डू कपाल भाति प्राणायाम, हाउ टू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको प्राणायाम क्यों करना है, आपको पता है कि आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको एनर्जी किससे मिलती है, जितना आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होगी, CO2 कम होना चाहिए और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ होने से क्या होगा, आपकी कोई भी शरीर में गांठें नहीं बनेंगी, आपको बीमारियाँ नहीं लगेंगी। दूसरा नंबर, आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होगी अगर आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सिर्फ 15-15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, बिना इस नुस्खे को अपनाए, जो आप स्क्रीन में नुस्खा देख रहे हैं, बिना इस नुस्खे को अपनाए आप अपना वजन महीने में कम से कम 5 से 8 किलो तक कम कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बाकी छोटी छोटी बातें होती हैं कि आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं ताकि आपको पसीना बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह से आपको पसीना बहाना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पसीना नहीं बहा रहे, नुस्खे अपना रहे हैं, तो बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट होता ही रहेगा। तो बहुत आवश्यक है कि कोई ना कोई आपको वर्कआउट करना ही करना है। जिम जाते हैं तो जिम भी लगा सकते हैं, जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो जिम नहीं जा सकती, सुबह सुबह उठ के थोड़ी बहुत सैर जरूर करें, ये बहुत ही आवश्यक होता है। एक छोटी सी टिप देता हूं जो कि बहुत गजब की है वजन को घटाने के लिए दोस्तों, अश्वगंधा। इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें कि अश्वगंधा क्या होता है, जिनको नहीं पता है, अश्वगंधा के पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनका अगर आप सुबह उठ के खाली पेट चबा चबा कर सेवन करेंगे, बिना कोई योग प्राणायाम किए, बिना कोई नुस्खा अपनाए, जो आप स्क्रीन में नुस्खा देख रहे हैं, सिर्फ अश्वगंधा के पत्तों का सेवन करने से ही 4 से 5 किलो एक महीने में कम हो जाता है। तो अश्वगंधा का पत्ता अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, एक ही आपको मैंने नुस्खा बताया, साथ में आपको मैंने योग प्राणायाम एक्सरसाइज बताई है। आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कृपया इसको इंटरनेट पे या फिर किसी भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, वहां पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्या पता उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए छोटी सी। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।